दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर कई सवाल उठाए। जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि सरकारी गवाह के बयान पर कैसे भरोसा करेंगे, क्या जांच एजेंसी ने सरकारी गवाह की सिसोदिया को मिली घूस पर चर्चा देखी थी, क्या ये बयान कानून में स्वीकार्य होगा, क्या ये सुनी सुनाई बात तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि अगर मनी ट्रेल में मनीष सिसोदिया की भूमिका नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग में सिसोदिया को आरोपी बनाकर कैसे शामिल किया और क्यों। कोर्ट ने कहा कि आपकी दलील तो एक अनुमान है, जबकि ये सब कुछ सबूतों पर आधारित होना चाहिए, वरना अदालत में जिरह होने पर ये केस 2 मिनट में ही गिर जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर आप सांसद संजय सिंह की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान कोर्ट ने ईडी से पूछा क्या आपने संजय सिंह का फोन कब्जे में ले लिया। इस पर ईडी के वकील ने हाँ में जवाब दिया। ईडी के वकील ने कोर्ट को कहा कि संजय सिंह के फोन से जो कॉन्टैक्ट्स और डेटा मिले हैं उसके बारे में पूछताछ करने के लिए कस्टडी जरूरी है। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब फोन आपके पास है तो फिर आरोपी के साथ आमना सामना कराने की क्या जरूरत बचती है, आप डेटा वैसे भी निकाल सकते हैं। ईडी ने रिमांड की मांग करते हुए कहा कि संजय सिंह के घर से जो सबूत मिले हैं उसे लेकर पूछताछ करनी जरूरी है, और कोर्ट ने संजय सिंह को 5 दिन के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया है।